Today we will start chapter number 12 in golden grammar. Auxiliaries primary and modal. यहाँ पे auxiliaries के two types हैं, primary auxiliaries and modal auxiliaries. Open your page number 38. कोई चित्र बताए ना पूछा ना वही कैसे कहाँ है वरना उसे चैप्टर ही है. Auxiliary verbs are used with main verbs to express tense, mood and voice. They are also called helping verbs. यहाँ जो auxiliary verbs हैं वो tense के form में, mood के form में और voice के form में use किए जाते हैं. They are also called helping verbs. उसके अलावा इसके दूसरा name भी है यहाँ पे helping verb. हमें पता है हम जो 6th और 7th standard से learn करने आए थे तो हमारे बहुत सारे helping verbs हैं. वो कैसे तो am is hard, was were, have is, shall be, do does. ये सभी है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है तो उसको हम यहाँ ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं. इसमें टू टाइप्स है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरीज. तो यहाँ आपको फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरीज के एग्जांपल दिए गए हैं. बी बी का मीनिंग है टू बी के हमें फॉर्म देखते हैं. टू बी के फॉर्म क्या होते हैं तो एम इज आर वॉज वेर सेल्फ ही. तो ये सभी है टू बी के फॉर्म. Have तो have के two form है यहाँ पे have and has. Third है do तो do के two form है do and does. And have various form. यहाँ आपको कहा गया है कि इसके अलावा भी इसके various form है यानी कि ये three types के यहाँ पे आपको form दिए हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे helping verbs या फिर primary auxiliaries यहाँ पे use होते हैं. Second है modal auxiliaries. मॉडल ऑक्सिलरीज है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड एंड लास्ट है और टू एक्सेट्रा है वो आपके मॉडल ऑक्सिलरीज है. कई बार हम मोस्ट ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं और कई कई बार भी हमें मॉडल ऑक्सिलरी का यूज भी करना होता है. तो फर्स्ट आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज के मीनिंग और उसके यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए. प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर यूज टू फॉर्म द वेरियस टेंसेस. यहाँ टेंसेस के फॉर्म में आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज दिए गए. फर्स्ट आई वॉज स्टडिंग जस्ट वॉज. ब्रैकेट में आपको दिया गया है कि वॉज है वो आपका ऑक्सिलरी है और स्टडिंग है वो आपका मेन वर्ब है. ऑक्सिलरी का मीनिंग है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जिसकी आप हेल्प लेते हो उसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज या फिर हेल्पिंग वर्ब. सेकंड आपको दिया गया है इसमें स्टडी. तो स्टडी आपका मेन वर्ब है. मेन वर्ब के आपके लिए आईएनजी लगाया गया है तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस. तो हमारे सेंटेंस में हम ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं. तो आई वॉज स्टडिंग जस्ट नाउ. सेकंड एग्जाम्पल है दे आर स्विमिंग इन द सी. तो इस सेंटेंस में आर है वो आपका ऑक्सिलरी है टू बी का फॉर्म में. उसके बाद स्विम तो स्विम आपका मेन वर्ब है उसके आफ्टर आईएनजी लगाया गया है. तो दे आर स्विमिंग इन द सी. अब प्राइमरी ऑक्सिलरी में नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल है आई हैवंट eaten yet my dear. तो इसमें आपको have और eaten दोनों को अलग अलग यहाँ पे describe किया गया है. have है वो आपका auxiliary है. उसके अलावा उसका second form है has. तो हमें पता होना चाहिए कि I, we, you and they के साथ have use होता है और he, she and it के साथ has use होता है. तो ये दोनों है हमारे helping verb. सेकंड यहाँ पे आपको मेन वर्ब दिया गया है इट. तो इट का यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया इट एट इटन. तो इट है वो आपका मेन वर्ब है. इसमें आपका एग्जांपल है इटन. सेकंड है ही डजंट सिंग वेरी वेल. तो यहाँ पे डजंट तो डू एंड डस वो भी है आपके हेल्पिंग वर्ब लेकिन इसमें डस यूज किया है. क्यों तो कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही सी इट के साथ डज यूज होता है और आई वी यू एंड दे के साथ डू हेल्प
पर आपको यूज करना है। इसमें आपका मेन वर्ब है सीन। क्यों सीन यहाँ पे उसके आफ्टर एस एल एस नहीं लगाया गया? क्यों? क्योंकि हमारा रूल्स है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमें डू और डस का यूज करना है, उसका नेगेटिव करना है और उसका क्वेश्चन मार्क लगाना है और उसमें मेन वर्ब ही यूज करना है। कभी भी उसके आफ्टर हमें एस या एस लगाना नहीं है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें फ्रॉम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। फर्स्ट है डू एंड सेकंड है डी। डू यू विश टू स्पेंड दिस शॉपिंग? इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दिया गया है डू एंड मेन वर्ब है विश। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप देख रहे हो कि डू से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो विस है वो मेन फॉर्म में यूज किया जाएगा, इसमें एस या एस लगाया जाएगा मैं। सेकंड है डी। डी ही गेट द मंकी मनी बैग, ब्रैकेट में वर्ड है आपका ऑक्सिलरी डी एंड मेन वर्ब है यहाँ पे आपका गेट। तो ये हो गए आपके ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब का यूज। ये थे आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब सेकंड है आपके मॉडल ऑक्सिलरी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके okay?